3 साल पहले जब कुछ गद्दार और स्वार्थी लोग पार्टी तोड़ करके गए थे और कहा था कि चिराग पासवान जी खत्म है, इतने विरोध होने के बाद भी इतनी शानदार तरीके से खड़ा किया है कि विरोधियों के मुंह बंद हो चुके हैं। जो शानदार जीत हमने बिहार में हासिल की है, अब उसके बगल राज झारखंड की बारी है। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और इसी का हवाला देकर सोचता हूं कि आज से 3 साल पहले जब कुछ गद्दार और स्वार्थी लोग पार्टी तोड़ करके गए थे और कहा था कि चिराग पासवान जी खत्म है, यहाँ पे 5-5 सांसद यहाँ पे बैठे हुए हैं मंच पे आपके सामने, क्या पत्थर उछाला है, नई पार्टी खड़ी कर दी रामविलास पासवान जी के उद्देश्यों को, उन मूल्यों को, कि मैं वहां दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है। क्या बखूबी इतने विरोध होने के बाद भी इतनी शानदार तरीके से खड़ा किया है कि विरोधियों के मुंह बंद हो चुके हैं। इतनी विपरीत परिस्थिति में भी होने के बाद जब भारत सरकार में मंत्री बने तो अपने समाज के आवाज को उठाने के लिए, चाहे वो आरक्षण का मामला हो, चाहे वो लैटरल एंट्री में आरक्षण को खत्म करने का प्रावधान हो, या माइनॉरिटीज के लिए आवाज उठाने की बात हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत ही मजबूती से अपनी बातों को सरकार के सामने रखा है, प्रधानमंत्री जी के सामने रखा है। और आपको ये मानना पड़ेगा कि उनकी बातों को प्रधानमंत्री जी ने भी सुना, समझा और समाज की बेहतरी के लिए उनके द्वारा सुझाए कदमों को लेकर के वो आगे बढ़े। इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद है। साथियों, जो शानदार जीत हमने बिहार में हासिल की है, अब उसके बगल राज झारखंड की बारी है। क्या बताइए हम लोगों को, यहाँ होने वाले जो चुनाव है उसमें अपनी राय अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को बताइए, और जो आप राय देंगे प्रदेश अध्यक्ष जी उसी बातों को लेकर के दिल्ली में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलकर उनके सामने रख करके आपकी बातों को आके आगे रख करके ये निर्णय करेंगे कि आने वाले वक्त में झारखंड में भी जो चुनाव होगा उसमें हम कैसे लड़े और हम कैसे अपने विधायक और सांसद आगे झारखंड में भी बना सके। साथियों, ये पार्टी को आगे बढ़ाने का समय है, ये पार्टी को उन ऊंचाइयों पर ले जाने का समय है जो हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने देखा था। गूंजे धरती आसमान, गूंजे धरती आसमान। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।